बांधों की सुरक्षा को लेकर जुटे देशी विदेशी विशेषज्ञ। जयपुर में बांध सुरक्षा पर एक खास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिएगा। हम सबके मन में आना चाहिए कि जब 2000-5000 साल से बांध दुनिया के अलग अलग कोनों में काम कर रहे सेवारत है, तब बांधों की वय, बांधों की उम्र, जिसकी अभी चर्चा की गई कि भारत में जो 6000 बांध होने के नाते हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े बांधों के को ओन करने वाले देश हैं, और हमारे 280 के लगभग बांध ऐसे हैं जो 100 साल से पुराने हो गए, हमारे 80% बांध ऐसे हैं जो 25 साल या उससे ज्यादा की उम्र के हो गए। लेकिन जब 2000 साल की उम्र का बांध ग्रैंड नायकट भारत में सेवारत है और अहर्निश सेवा कर, और जब दुनिया में 5000 साल पुराने बांध भी काम कर रहे हैं, तब केवल 100 साल की उम्र हो जाने के बाद में बांध की उम्र या बढ़ती भी वय और उसकी सुरक्षा, इन दोनों के बीच के संबंध को लेकर के क्यों कर चिंता करने की आवश्यकता है। निश्चित ही यह प्रश्न हम सबके मस्तिष्क में उठना चाहिए, लेकिन अगर हम इसके पीछे का इतिहास उठा करके देखें कि कितने सारे बांध विश्व भर में पिछले इन सदियों में या जब से लिखित इतिहास लिखा जाता है तब से ऐसे बांध जिनके टूटने की घटनाएं और उसके कारण से जो डिवेस्टेशन हुआ है, उसके कारण से जो आपदा जनित परिस्थितियां खड़ी हुई, उसके कारण से मानव जाति को, मानव जीवन को, और उसके साथ साथ में बांध के नीचे डाउनस्ट्रीम में द एंटायर इकोसिस्टम हैव बीन कॉम्प्रोमाइज्ड और चेंज्ड, उसको लेकर के कितनी बड़ी चुनौती खड़ी होती है, तब हम सबके संज्ञान में आता है कि बांधों की सुरक्षा बदलते हुए परिदृश्य में, और विशेष रूप से जब क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट हम सबको दिखाई दे रहे हैं, तब हम सबके सामने कितना बड़ा विषय है जिस पर अब गंभीरता के साथ में काम करने की आवश्यकता है। पिछले वर्षों में भारत में 42 ऐसे बांध टूटने की घटनाएं रजिस्टर हुई। 1917 में के बाद से जो रिकॉर्ड सीडब्ल्यूसी मेंटेन कर रहे, इन सारी घटनाओं को की तरफ यदि जितना इतिहास अभी हम सबके पास में उपलब्ध है, अगर पंकज जी ने अभी मच्छू बांध टूटने की चर्चा की, 2000 लोगों का जीवन उसके कारण से समाप्त हुआ। आज की वर्तमान परिदृश्य में, वैश्विक परिदृश्य में जब इस तरह की कोई घटना होती है तो पूरे विश्व भर के लिए न केवल एक चिंता का विषय बनती है, अभी तो साथ साथ में जिस देश में इस तरह की ब्रीच ऑफ डैम और एनी रिजर्वायर इस तरह की घटना होती है, देन इट बिकम्स ए इश्यू ऑफ नेशनल शेम, एक राष्ट्रीय शर्म का विषय बनता है, और हमारे सारे अभियंता जो निर्माण से लेकर के रख रखाव तक या सरकारी तंत्र में जितने भी लोग जिनके ऊपर इस तरह की जिम्मेदारी है, उन सब के ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो मच्छू बांध का टूटने का की घटना हुई थी और उसके बाद में मोरबी शहर ने जिस तरह का अभिशाप झेला, पूरे के पूरा मोरबी शहर विस्थापित होकर के नया शहर बसाना पड़ा, ये निश्चित रूप से एक बड़ी शर्म का विषय देश के लिए बना था। अभी हम सब ने अपनी तरफ से संवेदनाएं व्यक्त की। जो पिछले सप्ताह रविवार के दिन लीबिया में जिस तरह की घटना हुई और डर्ना टाउन में 5000 लोग बांध टूटने के कारण से कालकवलित हुए, दिवंगत हुए, और साथ ही साथ अनेकों हजार करोड़ों रुपए की संपदा नष्ट होने के साथ साथ में वहां की पूरी अर्थव्यवस्था पर कई वर्षों के लिए विराम लगा है, ऐसे में निश्चित ही आज हम सब लोगों के लिए यह और भी ज्यादा चिंता का विषय और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है। और मुझे कोई ईश्वर का विधान है कि आज जब हम डैम सेफ्टी की इस पहली इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में सब खड़े होकर के हम बातचीत कर रहे हैं, वी हैव कम टुगेदर फ्रॉम ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड एंड द कंट्री, उससे 7 दिन पहले, उससे 4 दिन पहले भी इस तरह की घटना बांध टूटने की हुई, और मुझे ठीक से याद है कि जिस दिन बांध सेफ्टी को लेकर के, बांधों की सुरक्षा को लेकर के भारत में माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर उनके मार्गदर्शन में हम संसद में कानून बनाने के लिए बिल लेकर के आए थे और डैम सेफ्टी एक्ट पर जिस दिन हम चर्चा कर रहे थे, उस दिन उससे भी 4 दिन पहले यूरोप में एक लेकोम्स बांध टूटने की घटना हुई थी।
शायद ये संयोग भी है, लेकिन इस तरह के संयोग हमें आने वाले समय में हम और गंभीरता के साथ में काम किस तरह से करें, इस दृष्टिकोण से हमें निश्चित ही नई दिशा सोचने के लिए प्रदान करते हैं। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2021 में हम डैम सेफ्टी का एक एक्ट लेकर के आए और संसद के दोनों सदनों में सर्वसम्मति से सभी लोगों ने मिलजुल कर और बहुत सकारात्मक चर्चा के साथ में उस बिल को पास किया और निश्चित ही यह भारत में एक नए युग का सूत्रपात था। मुझे स्मरण आता है कि जब हमने मुझे इस मंत्रालय का दायित्व की सुरक्षा को लेकर जुटे हैं देशी विदेशी विशेषज्ञ। जयपुर में बाल सुरक्षा पर दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ संबोधन दे रहे हैं, क्या कुछ कहना है सुनिए। किसान को पता है इंद्र का क्या मतलब। वी हैव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा, आई हैव नोन हिम फ्रॉम बिफोर, अ वेरी नाइस मैन, how great is to you, in Rajasthan, my home state. Deputy Chief Minister Karnataka, Shri D.K. Shivakumar. There are very few state-level politicians with national recognition. He is one of the very few. He should be personally obligated to ISRO, because when Chandrayaan 3 landed on Moon, they had DK in mind and it was Shiv Shakti poet. I am sure as an individual, he should have no issue with it and persuade others also not to have an issue with it. When history is scripted by visionary leadership of the Prime Minister and commendable work of our scientists exemplifying excellence all through, we must be only in one mode, mode of salutation and mode of greeting them. Srimati Usha Sharma, Chief Secretary, Government of Rajasthan. Friends, when I addressed on Civil Services Day, I said India is lucky. It has bureaucracy that is spinally very strong. They get into bureaucracy by taking the toughest examination on the planet. All that they need is, let us not tie baggage around their back when they are swimming. Now for the last few years, they are having enough play in the joints and the performance is for all to see, and the world is in absolute recognition of India's progress. She represents the mighty Indian administrative service and bureaucracy. Honorable ministers from the state, what I find in the audience, everyone is committed to the cause of the conference and is a critical, significant stakeholder in the assignment the conference has to address. I therefore, friends, take it as a great privilege to be in the esteemed gathering of experts, policy makers, stakeholders, academicians who have conversed to find a solution to announce an issue which matters to humanity at large. The aspect which you will be deliberating has great contemporaneous relevance. Safe and secure dams ensure nation's prosperity. As a matter of fact, it is in the spirit of one earth, one family, one nation, one future. A nation has been conceived by us as a global entity. This, our civilizational assets, our age-old ethos, have now been conveyed to the world with greatest of acceptability in G20.